हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हो जो हमारा बोर्ड था पहले इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करता था। इट्स मीन कि आप कैश में काम कर सकते थे, वो एनएससी में हो या बीएससी में हो, आप ओनली फॉर कैश के अंदर काम कर सकते थे। बट अब क्या है कि एक इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो, एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप ऑर्डर लगा सकते हो। बट जो ये तरीका है ओनली फॉर फॉरेक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, और एंड कमोडिटी के लिए आपको इसके लिए आई थिंक मजा नहीं आएगा इस चीज को करते हुए। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है इसको करने का, तो आप बता सकते हो, आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कैसे। जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी हम कमांड लगाते हैं, जो भी हम बॉट ट्रेडिंग करते हैं, ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं, वो इस चार्ट पे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। देन वो वर्क करता है जीरोधा पे। बट आपको पता है कि यहाँ पर ना ऑप्शन का चार्ट है, ना फ्यूचर का चार्ट है, ना एमसीएक्स का चार्ट है, ना कमोडिटी का चार्ट है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि हम किसी भी चार्ट से हम किसी भी मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बंदा ऑप्शन में काम करता है एंड वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहा है, निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहा है, तो रियल चार्ट को देखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कर देता हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं। तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे जो इंडेक्स है, रियल इंडेक्स है, उनके चार्ट तो अवेलेबल हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया एंड यहां चल रहा है 29,518 इंडेक्स का प्राइस। एंड मेरे को पता है कि मेरे को कोई पुट लेनी है, सॉरी कॉल लेनी है। और मुझे पता है कि जब जैसे ही ये, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा 29,500 का जो कॉल है उसका प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसे में मैं इस मार्केट को इस चार्ट से ट्रिगर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक करा, ऐड अलर्ट करा। एंड पहले हम क्या करते थे, हम कोड कॉपी करके लाते थे यहाँ से, ये अपना हमारा जो बॉट है इस पे क्लिक करते थे। एंड एक मिनट क्लिक करके दिखाऊँ, और हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो कोड खुल जाता था। एंड यहाँ से हम जो कोड चाहिए होता था वो कर लेते थे। जैसे मैं अभी लिमिट ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ बाय साइड का, तो मैं ये कॉपी करता था एंड उसे पेस्ट करता था, तो वो चीज़ वर्क होती थी, इस तरीके से करते थे। बट सेम चीज़ अब कर दी, आपकी बार क्या करना है, आपको उसकी मार्केट चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ एनएससी लिखा है, तो एनएससी के बदले यहाँ पर लिख देना है एनएफओ। एंड उसके बाद जैसे मैं बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, मैं अभी जो पुट लेने जा रहा हूँ, कॉल लेने जा रहा हूँ, वो 29,400 वाली लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यही ऐड है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका चार्ट ओपन करना पड़ेगा और इसका सिंबल देखना पड़ेगा सही से ये है क्या। तो सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे कजर पे, आप देख सकते हैं, मेरे कजर पे आप देख सकते हैं कि आपको सिंबल दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस सिंबल को कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कॉपी तो नहीं कर सकते, टाइप कर दीजिए, मैं कर देता हूँ बैंक निफ्टी। एंड उसके बाद वो क्या था, एक बार मैं सिंबल फिर से चेक करके आऊँ, बैंक निफ्टी 29 अक्टूबर, ओके, सॉरी 19 अक्टूबर, ओ सी टी। एंड उसके बाद 29,400 की ये कॉल है सीई, ठीक है जी। और मेरे को इस चीज में आपको याद रखना है, जो ऑप्शन में एक लॉट साइज होता है, तो यहाँ ओनली वन नहीं डालना, वन स्टॉक है, क्वांटिटी हमारी स्टॉक में है, तो आपको लॉट साइज के लिए 20 डालने हैं, क्योंकि एक लॉट साइज में 20 वो होते हैं, क्वांटिटी होती है, तो आपको 20 यहाँ डालने हैं। इट्स मीन ये एक लॉट साइज है, हमने क्रिएट करा। एंड क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर बुक में जाता हूँ मैं, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ। एंड मैं इसे ट्रिगर कराता हूँ, अगर ये कैंडल यहाँ पर अभी ट्रिगर होती, मतलब टिक, जैसे ये कैंडल धीरे धीरे बढ़ के जैसे इस पर टच होती, तो हमारा ऑर्डर लग जाता, या हम डायरेक्ट बाय करना चाहते हो जाता, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कैंडल का। तो मैं फिर जानबूझ के ट्रिगर करा देता हूँ, ये मैं कैंडल के बिल्कुल पास ले आया, कैंडल के बिल्कुल उस पर रख दिया, जैसे ट्रिगर होगी यहाँ कमांड आई। एंड यहाँ आप जैसे कमांड देखोगे, एक मिनट आपका ट्रिगर हो गया, आप जाओगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर लग गया, ठीक है। यहाँ एक गलती मैंने कर दी, फटाफट मैं इसको कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ क्या गलती करी मैंने, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक गलती ये करी कि मैंने इधर -5 लिख रखा है, -5 मतलब 5 रुपये नीचे, मार्केट से नीचे लगाए, तो मैं इसे -20 करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये क्या करेगा, ये इस प्राइस को कैलकुलेट नहीं करेगा, ये जो आपका रियल, जो भी आपका, जो भी आपने टारगेट कर रहे हो उसका क्या प्राइस है, जैसे उसका प्राइस है 100 रुपये, तो -20 80 रुपये पे उस पर बिड लगाएगा। तो अभी जैसे हम देख लेते हैं, इसका चार्ट खोल लेते हैं और चार्ट पे हमको प्राइस दिख जाएगा।
जो हमने अभी इंडेक्स ऑप्शन खोल रखा है, इसका जो प्राइस चल रहा है आप यहाँ देख सकते हो, 5559.80 चल रहा है। तो आप देख सकते हो ये इसका प्राइस है, और 20 रुपए इससे नीचे लगाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ एंड अभी इसे टिगर कराता हूँ। तो जैसे ही टिगर होगा आपको दिखाता हूँ कि 20 नीचे लगाए नहीं लगाए, दिखाते हैं ये हम आए एंड प्राइस देखते रहिएगा। प्राइस ये है, अभी कोई भी अलर्ट्स नहीं आया, अब आया अलर्ट्स, आप देख सकते हो ये अलर्ट्स आया। एंड उसके बाद हम इधर मार्केट में गए, सॉरी मार्केट में ही हैं हम, ऑर्डर पे गए। एंड यहाँ देखिए जो मार्केट में इसका प्राइस चल रहा था, आपको पता है 559 चल रहा था, एंड इन्हें 20 रुपये नीचे मतलब 5539 पे लगा दिए, 20 रुपये नीचे इन्हें अपनी बिड लगा दी। देन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब मार्केट नीचे आएगी। इसी तरीके से आप डायरेक्ट बाय भी कर सकते थे, ये एग्जाम्पल था। तो जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो रियल चार्ट को देख के ट्रेडिंग करते हैं, रियल चार्ट को ही देख के ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इस चीज से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे कि जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये CDS मार्केट है US डॉलर INR की, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी और फॉरेक्स मार्केट को ओपन कर सकते हो। यहाँ जैसे USD INR, आपको इसका चार्ट मिल जाएगा और समथिंग सेम सेम ही होगा। जैसे मैंने ये चार्ट खोला है फॉरेक्स का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड यहाँ इस रुपये का प्राइस चल रहा है 70 रुपये 90 पैसे, एंड यहाँ पर जो हमारा जो मार्केट है इसमें चल रहा है 70 रुपये 94 पैसे, 4 पैसे का फर्क है। तो आप इस चार्ट का यूज कर सकते हो। अच्छा ये एक मैं एक चीज दिखाना भूल गया, ये ऑर्डर अभी भी लगा हुआ है, हम बोर्ड से कैंसिल भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को, जैसे हम अपनी उस मार्केट में करते थे। तो हमें कैंसिल ऑर्डर कोड लेके आना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हो कैंसिल ऑर्डर कोड ये रहा, आई थिंक ये रहा। तो हमने विदाउट सिंबल वाला कैंसिल ऑर्डर कोड ले लिया, अगर ये और भी बिट लगी होती तो सबको कैंसिल कर देता हूँ 1 मिनट में। तो अब हम दोबारा से इस चार्ट पे जाते हैं बैंक निफ्टी के, जहां हमने कमांड दे रखी थी, एंड इसके अंदर हम एडिट कर देते हैं कमांड को एंड इस कोड को चेंज कर देते हैं, क्रिएट कर दिया। तो अब मैं जानबूझ के टिगर कराने जा रहा हूं, और ये देखिए अभी तक 2 अलर्ट्स आए थे, दोनों बिड लग गई थी, अब तीसरा अलर्ट्स आएगा एंड ये देखिए ऑर्डर कैंसिल कर देगा ये कैंसिल। तो बोर्ड से आप सारी चीजें करा सकते हैं, जो भी चीज आप चार्ट पे करोगे वो आपके रियल अकाउंट में होगी। आप पैटर्न पे वर्क करो, आप किसी स्ट्रेटजी पे वर्क करो, कब आप किसी इंडिकेटर पे वर्क करो, जो भी आप चार्ट पे ट्रेडिंग जो पे वर्क करोगे वो चीजें यहां पर होगी। एंड काफी लोगों की डिमांड है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो काफी बेनिफिट वाली चीजें हैं ये, आप यहां से सारी चीजें कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम दोबारा से उस पे फ्यूचर पे, तो फ्यूचर पे भी एक बिट लगा के दिखा देता हूं। इसी तरीके से आप फॉरेक्स पे एक बिट लगा के दिखा देता हूं आपको, एंड इसी तरीके से आप MCX मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में अगर आपको उससे रिलेटेड कोई चार्ट मिलता है या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहां पर हम USD INR खोल लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि सेम प्राइस ही है, थोड़ा सा फर्क है, अभी भी यहाँ प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 70 रुपये 90 पैसे। एंड मैं आपको एक मिनट, अब मैं इसमें क्या करता हूँ अलर्ट्स डालता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, यहाँ वो करा क्लिक करा एंड मैं यहाँ अलर्ट्स डालने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से मैं कोड लेके आता हूँ, वही वाला जो हम पहले लेके आए थे लिमिट ऑर्डर वाला। तो मैंने ये कोड उठाया एंड कॉपी करा, एंड अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टीम व्यूवर पे AnyDesk पे मेरे से हेल्प ले सकते हो, मैं आपके PC पे आके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें सिंबल देखना पड़ेगा, तो सिंबल का नाम मुझे याद है USD INR 90 October OCT एंड फ्यूचर, ये सिंबल का नाम है। एंड आपको चेक करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ट खोलना हो सिंबल का एंड ऊपर आपको नाम दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमें पता चल गया। और ये किस मार्केट के अंदर आता है, मार्केट तो आपको यहीं दिख रही है, CDS मार्केट के अंदर आता है। तो हम क्या करते हैं मार्केट के अंदर इसका नाम दे देते हैं NSE जो है, यहाँ चेंज कर देते हैं CDS कर दिया, क्वांटिटी एक कर दी, मार्केट रेट से 5 रुपये नीचे से मैं कर देता हूँ 50 पैसे नीचे लगाए 0.5 पैसे, तो मतलब ये 50 पैसे नीचे लगाए। तो अब ये क्या करेगा, करंट मार्केट के प्राइस को कैलकुलेट करेगा जो इधर प्राइस चल रहा है एंड उससे 50 पैसे नीचे लगा देगा, क्योंकि हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं। तो मैं करने जा रहा हूँ, तो मैंने ट्रेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ली और जानबूझ के इस पर टच करा दी जिससे कमांड आए। तो अलर्ट्स आपको कहाँ दिखेंगे, इधर आएंगे, तो अरे कैंडल तो नीचे, मेरे को नीचे ले जाना पड़ेगा, ये नीचे ले गया मैं। तो जैसे आपको पता है अलर्ट्स यहाँ पर आएंगे एंड जैसे अलर्ट्स आते एक बेल की भी आवाज आती है, जैसे ये आई एंड हम वहां जाके देखेंगे और ऑर्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर दिख जाएगा। एंड अभी ऑर्डर नहीं आया, आई थिंक कुछ गलती होगी, दोबारा से टिगर कराते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से टिगर करा लूँ, आई थिंक मैंने कुछ मिस कर दिया या रिफ्रेश करना भूल गया, कुछ तो है जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं आया, दूसरा कर दिया मैंने
एंड दूसरे में गए, दूसरे में भी ऑर्डर नहीं आया। अब तो कंफर्म है कि हमने कोड वगैरह में गलत कर दिया है, कुछ तो गलत करा है। तो एक बार फिर से हम कोड को चेक कर लेते हैं इसके कमांड के कि हमने कुछ क्या गलत करा है, पहले देख लेते हैं। तो हमने इसमें लिखा USDT INR 90 अक्टूबर। अच्छा आई थिंक मैंने अक्टूबर की स्पेलिंग में ओ गलत डाल दिया है, ओ के बदले जीरो डाल दिया है। हाँ ओ के बदले जीरो डाल दिया था मैंने, अभी अक्टूबर हुआ। एंड सेव पे क्लिक करा एंड दोबारा से कमांड को क्लिक कराने जा रहा हूँ, फिर से दिखा देता हूँ यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हुई तो आपका ऑर्डर नहीं लगेगा, जैसे मेरा नहीं लगा था। एंड मैं जब दोबारा ट्रिगर कराया एंड मैं दोबारा गया एंड ये ऑर्डर लग गया आपके सामने, आप देख सकते हो मार्केट रेट चल रहा है ये LTP प्राइस एंड उससे 50 पैसे नीचे ये लग गया है, क्योंकि हमने 50 पैसे ही डाला था। आप डायरेक्ट मार्केट में बाय करना चाहते हो डायरेक्ट मार्केट में कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे 3 ऑर्डर लगे, तो अभी हमें आपको एक लाइव डेमो और दिखा देता हूँ। ये मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल करा एंड मैं गया, मैंने इस कोड को कॉपी करा यहाँ से इस तरीके से। अगर आप मल्टी ऑर्डर चाहते हो तो सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट है, आपको स्पेस करना है। एक मिनट, दोबारा से ऑर्डर आ गया, दोबारा से लग जाएगा, इसे मैं कैंसिल कर दूँ, वो कमांड बंद नहीं हुई थी। अब बंद करा, अब ऑर्डर बंद। एंड जैसे मल्टी ऑर्डर चाहता हूँ मैं, तो आपको पहले स्पेस देना है एक कमांड के बाद, फिर से एक कोड कॉपी करके डाल देना। अब इस कोड के अंदर क्या है, ये ऑर्डर लगे मेरा 1 रुपये नीचे, तो मैं इसके नीचे कर देता हूँ -1, सेम कोड है। एंड फिर स्पेस दिया, एक ऑर्डर लगे मेरा 1.5 रुपये नीचे, तो मैं, मेरे को पता नहीं इतने नीचे तक कहीं वो क्या कहते हैं आपका, कुछ टिगर लगे हुए होते हैं ना, सर्किट लगे हुए होते हैं तो ऑर्डर नहीं लगते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर लग जाएगा। तो मैंने हर जगह स्पेस डाल दिया एक कोड के बाद, इसे मल्टी ऑर्डर कहते हैं। एंड मैंने कमांड बना दी एंड अब देख सकते हो यहाँ कोई भी ऑर्डर नहीं लगा। मैं यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ इस कोड को, मतलब टिगर कराने जा रहा हूँ, जैसे अलर्ट आएगा तो हम जाएंगे यहाँ, अब देखते हैं 3 ऑर्डर लगते हैं नहीं लगते। एक लग गया, 2 लग गए एंड तीसरा, तो इट्स मीन जैसे ही हमने डाला तो 3 ऑर्डर लग गए। और आप देखोगे पहला ऑर्डर मेरा ये वाला 50 पैसे नीचे लगाए, दूसरा 1 रुपये नीचे लगाए एंड तीसरा 1.5 रुपये नीचे लगाए जैसे मैंने वो डाली थी। तो इट्स मीन इसी तरीके से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसी तरीके से आप किसी भी मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो सही है कि उनको इंडेक्स के चार्ट मिल जाएंगे, रियल चार्ट मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्स में मतलब ऑप्शन में काम कर सकते हैं। बट जो फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर को उनको लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर का इंडेक्स देख के या रियल चार्ट देख के उनको बेनिफिट होगा ट्रिगर कराने में, तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इट्स मीन एवरीथिंग, आप किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। प्लस आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो टीम वीवर या एनी डेस्क डाउनलोड करने के बाद मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।